गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर अध्ययन इंग्लिश क्लासेस। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें कभी कभी मैंने पेपर देखा, उस पेपर में दिया है कि कभी कभी कोटेशन दे देता है, लाइन उठा देता है, स्टेंजा दे देता है और पूछता है कि विच स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम। तो ये जब तक आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा आप लोग उसको छोड़ कर आइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ स्टेंजा को मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम हॉल में वो पूछेगा, और इसमें से लगभग 2 या 3 नंबर का पूछ रहा है। तो आप लोग इस पर विशेष फोकस डालिए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, बुक का एक लाइन है, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स, ये लाइन दे दिया और यहां से लिखेगा इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे लाइन देने के बाद, स्टेंजा देने के बाद आपसे पूछेगा कि यह लाइन कहां से लिया गया है। तो यस्टरनाइट द सन वेंट हैंड्स इज टेकन फ्रॉम, तो ये कहां से लिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। स्वीटेस्ट लव दे देगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द सोल्जर माई ग्रैंड मदर हाउस। तो किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पहला लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर मान लीजिए दे दिया इसी में से ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, इसमें पूछेगा इज टेकन फ्रॉम, ये भी लाइन दे दिया और पूछेगा कि यह कहां से लिया गया। तो इसका भी एक ही आंसर होगा, इसका आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है। इस तरह का लाइन देता है और हम लोग जब तक पूरा बुक नहीं पढ़े होंगे तब तक इसका हम आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी पोएम से या किसी भी प्रोज से लाइन उठाकर दे देगा और पूछेगा कि ये बताइए ये किस चैप्टर से लिया गया है, या ये भी पूछ सकता है कि इस लाइन के कवि कौन है। मान लीजिए ये तो पूछ दिया इज टेकन फ्रॉम, या हो सकता है पूछ दे कि इसका कवि कौन है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कवि कौन है, जॉन डोन। तो कवि के बारे में पूछ सकता है, लाइन कहां से लिया गया ये भी पूछ सकता है। जैसे और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ये दे दिया आपका क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस इज टेकन फ्रॉम, ये एक लाइन है। तो ये लाइन कहां से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये कम से कम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कम से कम 3 नंबर का तो जरूर दे रहा है। तो इस लाइन पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए फिर दिया हुआ है Cold impossible ahead is taken from, ये लाइन कहां से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है आपका Now the leaves are falling fast,
एग्जाम हॉल में आने वाले लाइन को मैं लिखवा रहा हूँ, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी लाइन को पूछेगा, इससे अगेंस्ट नहीं पूछेगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ इस पे फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे मान लो एक और लाइन दिया है, नेवर फॉरगेट एंड 20 इयर्स सिंस इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है, फायर में। तो इसका आंसर क्या होगा, फायर में। बताने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग बुक के लाइन के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ना छोड़े। इससे कभी कभी ना पूछ सकता है किस चैप्टर से लिया गया उसके बारे में पूछ सकता है। आप लोग इस लाइन को जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक नंबर हमारे एग्जाम हॉल में इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि एक नंबर से इंसान का फर्स्ट डिविजन भी छूट जाता है और एक नंबर से बिहार टॉप भी छूट जाता है। तो इसलिए मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इन सभी लाइनों को विशेष करके ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।